हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मोनीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश लिटरेचर बीए पार्ट वन में यूनिट फोर्थ में थॉमस ग्रे को पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करिए। जितना आप लोग रिवाइज करेंगे, आपकी क्लियरिटी उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। और पेपर इन्हीं से आना है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ अब हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। सभी लोग देखेंगे थॉमस ग्रे के अंतर्गत पहला क्वेश्चंस। विच पोइट वाज बॉर्न आउट ऑफ टाइम? विच पोइट वाज बॉर्न आउट ऑफ टाइम? विच पोइट कौन सा कवि, किस कवि का विच पोइट वाज बॉर्न आउट ऑफ टाइम? विच पोइट कौन सा कवि वाज बॉर्न जन्मा आउट ऑफ टाइम? आउट ऑफ टाइम में, आउट ऑफ टाइम में किस कवि का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए पोप, ऑप्शन बी कीट्स, ऑप्शन सी थॉमस ग्रे, ऑप्शन सी जॉन डॉन। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमस ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू विच स्कूल ऑफ पोएट्री डज थॉमस ग्रे बिलोंग? टू विच स्कूल, किस स्कूल से ऑफ पोएट्री पोएट्री के डज थॉमस ग्रे बिलोंग संबंध रखता है? थॉमस ग्रे पोएट्री के किस स्कूल से संबंध रखता है? ऑप्शन ए कैरोलिन, ऑप्शन बी ग्रेवयार्ड, ऑप्शन सी मेटाफिजिकल, ऑप्शन डी रोमांटिक। बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेवयार्ड। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशनल पोइट? निम्न के मध्य में कौन सा एक ट्रांजिशनल कवि है? ऑप्शन ए पोप, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी जॉन डॉन या ऑप्शन डी थॉमस ग्रे। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थॉमस ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच पोइटिंग वर्स फॉर्म इज द पोएम एन एलेजी रिटेन इन आ कंट्री चर्चयार्ड इज कंप्लीट? इन विच पोइटिक वर्स, कौन से पोएटिक वर्स में द पोएम पोएटिक वर्स फॉर्म कविता के कौन से पोएटिक प्रकार में इज द पोएम एन एलेजी, एक एलेजी रिटेन इन आ कंट्री चर्चयार्ड इज कंपोज्ड की गई है? ऑप्शन ए कॉपलेट, ऑप्शन बी क्वाट्रेन, ऑप्शन सी ब्लैंक वर्स, ऑप्शन डी फ्री वर्स। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वाट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी स्टेंजास डज द पोएम एन एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड हैव? हाउ मैनी स्टेंजा डज द पोएम एन एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड हैव? एन एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड
कविता में कितने स्टेंजा हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 32। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? निम्न पंक्तियों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। ऑप्शन ए पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन बी अपोस्ट्रोफी, ऑप्शन सी एलिट्रेशन, ऑप्शन डी हाइपरबोले। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच डज द फॉलोइंग लाइन हैव? निम्न पंक्ति में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? द पिलो मैन होम बर्ड प्लॉट्स हिज बियरी वे। निम्न पंक्ति में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? द पिलो मैन होम बर्ड प्लॉट्स हिज बियरी वे। ऑप्शन ए सिमिली, ऑप्शन बी मेटाफोर, ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन डी ट्रांसफर्ड एपिथेट। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होम इज ग्रे लेमेंटिंग इन हिज इलेजी? Whom is Gray lamenting in his elegy? Whom किसके लिए is Gray lamenting? Gray विलाप कर रहा है in his elegy, अपनी इलेजी में। ऑप्शन अ हिज फ्रेंड्स डेथ, ऑप्शन बी नेमलेस विलेजर्स, ऑप्शन सी द डेथ ऑफ क्रोमवेल, ऑप्शन डी द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेमलेस विलेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पोएम रिटन बाय ग्रे? निम्न के मध्य में कौन सी कविता ग्रे के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, ऑप्शन बी टू ए स्काईलार्क, ऑप्शन सी हॉलो मैन या ऑप्शन डी चर्च गोइंग। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेन वाज थॉमस ग्रे बॉर्न? थॉमस ग्रे का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1816, ऑप्शन बी 1716, ऑप्शन सी 1516, ऑप्शन डी 1416। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1716। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
रोट द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी किसने लिखी है? ऑप्शन ए विलियम कोलिंस, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन सी थॉमस ग्रे, ऑप्शन डी जॉन ड्राइडेन। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थॉमस ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच पोएटिक फॉर्म इज यूज्ड बाय थॉमस ग्रे इन हिज पोएम द वर्ड। विच पोएटिक फॉर्म, कविता का कौन सा प्रकार इज यूज्ड, प्रयोग किया गया है बाय थॉमस ग्रे, थॉमस ग्रे के द्वारा इन हिज पोएम, अपनी कविता में, द बार्ड, द बार्ड कविता में थॉमस ग्रे के द्वारा कौन सा कविता का प्रकार प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए सोनेट, सोनेट है, ऑप्शन बी बैलेड, बैलेड है, ऑप्शन सी इलेजी, इलेजी है, ऑप्शन डी ओडे या ओडे, बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज कॉल्ड प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक एज। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स Which of the following poets is called precursor of romantic age? Which of the following poets, कौन सा निम्न में से कौन सा कवि इज कॉल्ड पुकारा जाता है precursor अग्रगामी ऑफ रोमांटिक एज, रोमांटिक एज का निम्न में से कौन सा कवि रोमांटिक एज का अग्रज कहा जाता है? ऑप्शन ए जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी थॉमस ग्रे या ऑप्शन डी टी एस एलियट। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थॉमस ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच पोएम मेड थॉमस ग्रे पॉपुलर इन इंग्लैंड इन हिज लाइफ टाइम। विच पोएम, कौन सी कविता ने मेड किया थॉमस ग्रे को पॉपुलर, प्रसिद्ध इन इंग्लैंड में इन हिज लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम के लिए थॉमस ग्रे को इंग्लैंड में कौन सी कविता ने पॉपुलर किया? ऑप्शन ए द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, ऑप्शन बी द एलिजी, ऑप्शन सी द बार्ड या ऑप्शन डी द फैटल सिस्टर्स। आइए, चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द एलिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर वाज थॉमस ग्रे बॉर्न। थॉमस ग्रे कहाँ जन्मा था? ऑप्शन ए कॉर्नहिल, ऑप्शन बी मैनचेस्टर, ऑप्शन सी कैम्ब्रिज, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड।
बताइए चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉर्न हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फूफा इज द फादर ऑफ थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे के पिता कौन थे? ऑप्शन ए जॉन ग्रे, ऑप्शन बी चार्ल्स ग्रे, ऑप्शन सी फिलिप ग्रे या ऑप्शन डी विलियम ग्रे। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिलिप ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्लेस कौन सा स्थान पर आज कॉल्ड पुकारा गया बाय थॉमस ग्रे एज द अबोडे ऑफ डिजोलेशन एंड ए सिली डर्टी प्लेस। ऑप्शन ए एटन, ऑप्शन बी कैम्ब्रिज, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी वर्सेस्टायर। वर्सेस्टायर्स बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैम्ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच यूनिवर्सिटी ऑफर्ड हिम प्रोफेसरशिप। विच यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया था हिम उसको ग्रे के लिए प्रोफेसरशिप। कौन सी यूनिवर्सिटी ने ग्रे के लिए प्रोफेसरशिप के लिए ऑफर किया था? ऑप्शन ए लंदन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑप्शन डी शिकागो यूनिवर्सिटी। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू विच एज डिड थॉमस ग्रे बिलोंग। टू विच एज थॉमस ग्रे बिलोंग। थॉमस ग्रे कौन सी उम्र से संबंध रखता था? ऑप्शन ए ट्रांजिशनल एज, ऑप्शन बी क्लासिकल एज, ऑप्शन सी रोमांटिक एज या ऑप्शन डी एलिजाबेथन एज। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांजिशनल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थॉमस ग्रे इज, थॉमस ग्रे है। ऑप्शन ए रोमांटिक पोइट, एक रोमांटिक पोइट है, एंड एलिजाबेथन पोइट, एक एलिजाबेथन पोइट है, या ट्रांजिशनल पोइट या ट्रांजिशनल कवि है, ये ऑप्शन डी ए मेटाफिजिकल पोइट या एक मेटाफिजिकल पोइट है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आ ट्रांजिशनल पोइट। थॉमस ग्रे एक ट्रांजिशनल कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलेजी इज है ए पोएम। शोक गीत एक कविता है ऑफ किसकी? एडवेंचर, एडवेंचर सौरो दुख की, बार युद्ध की, हैप्पीनेस खुशी की। इलेजी इज ए पोएम ऑफ। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी सौरो। इलेजी सौरो की एक कविता है दुख, सौरो मीन्स दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द राइटर ऑफ द पोएम एन इलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड।
एन इलेजी इन अ कंट्री चर्चयार्ड का लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ या ऑप्शन डी थॉमस ग्रे। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थॉमस ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। एन एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एन एलेजी 100 गीत रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड वाज पब्लिश्ड प्रकाशित हुई थी इन द ईयर सन में। एन एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन अ 1751, ऑप्शन बी 1790, ऑप्शन सी 1800, ऑप्शन बी 1835। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1751। ग्रेस इलेजी इज रिटेन अबाउट लिखी गई है अबाउट बारे में। ग्रे की इलेजी किसके बारे में लिखी गई है? ऑप्शन ए पुअर विलेजर्स, ऑप्शन बी किंग्स एंड क्वार्टियर्स, ऑप्शन सी ग्रेट पॉलिटिशियंस या ऑप्शन डी द पोइट्स फ्रेंड्स। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुअर विलेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच पोएम डज द लाइन द पाथ ऑफ ग्लोरी लेड बट टू द ग्रेव अकर। इन विच पोएम कौन सी कविता से डज द लाइन पंक्तियां द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव अकर्ड ली गई हैं? ऑप्शन ए लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ऑप्शन बी एन एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ऑप्शन बी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ऑप्शन डी पैराडाइज लॉस्ट। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होम होमली जॉयस एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर ऑब्स्क्योर, दीज आर द लाइंस फ्रॉम द पोएम। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयस एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, दीज आर लाइंस फ्रॉम द पोएम। कौन सी कविता में है दी गई पंक्तियाँ? ऑप्शन ए एन एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ऑप्शन बी एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ऑप्शन सी ओडे टू अ नाइटिंगेल या ऑप्शन डी पैराडाइज लॉस्ट। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एन एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फुल मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लस अनसीन एंड बेस्ट
its sweetness upon the desert's air. These beautiful lines have been taken from the poem. These beautiful lines, ये सुंदर पंक्तियाँ have been taken, ली गई हैं from the poem, कविता से. दी गई पंक्तियाँ कौन दी गई पंक्तियाँ कौन सी कविता से ली गई हैं? ऑप्शन आ एन इलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, ऑप्शन बी एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ऑप्शन सी ओडे टू अ नाइटिंगल, या ऑप्शन डी पैराडाइज लॉस्ट. बताइए. चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ऑप्शन ए एन इलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ ए पार्टिंग डे, द लोइंग हेड वाइंड स्लोली ओवर द ली. These are the opening lines of. These माने ये are हैं the opening lines of, शुरुआती पंक्तियाँ of की, किसकी? An elegy written in a country churchyard. Option B, essay on criticism. Option C, ode to a nightingale. या option D, the world is too much with us. चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन विच ईयर वाज थॉमस ग्रे ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ पोएट लॉरिएट. इन विच ईयर, कौन से वर्ष में वाज थॉमस ग्रे ऑफर्ड, थॉमस ग्रे को ऑफर किया गया था द पोस्ट ऑफ पोएट लॉरिएट, पोस्ट ऑफ पोएट लॉरिएट के लिए थॉमस ग्रे को किस वर्ष ऑफर किया गया था? ऑप्शन ए 1650, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1795, या ऑप्शन डी 1850. चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1757. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हेन डिड थॉमस ग्रे डाई, थॉमस ग्रे की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1616 में, ऑप्शन बी 1671 में, ऑप्शन सी 1717 में, ऑप्शन डी 1771 में. चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1771 में. 1771 में थॉमस ग्रे की मृत्यु हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु पब्लिश्ड, किसने प्रकाशित किया था ग्रेस ग्रे की एन इलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड इन 1751. 1751 में ग्रे की इलेजी एन इलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड को पब्लिश किया था. ऑप्शन ए होरेस वालपोल, ऑप्शन बी रिचर्ड बेस्ट, ऑप्शन सी थॉमस एस्टन, ऑप्शन डी डॉट्सले. चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉट्सले. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच पोएट ऑफ ग्रे एंटिसिपेट्स द
romantic revival of the 19th century, which poem of Gray anticipates the romantic revival of the 19th century? चलिए, विच पोएम ऑफ ग्रे एंटिसिपेट्स द रोमांटिक रिवाइवल ऑफ द 19th सेंचुरी? विच पोएम, कौन सी कविता ऑफ ग्रे एंटिसिपेट्स द रोमांटिक रिवाइवल ऑफ द 19th सेंचुरी? ऑप्शन ए द वर्ल्ड, ऑप्शन बी द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, ऑप्शन सी द फैटल सिस्टर्स, ऑप्शन डी एन इलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। Poem of Gray anticipates the romantic revival of the 19th century. Anticipates पूर्वानुमान करती है the romantic revival पुनरुत्थान का the 19th century 19वीं शताब्दी में. Option A the world, option B the progress of poetry, option C the fatal sisters, option D an elegy written in a country churchyard. चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन द पिलोमैन होमबर्ड प्लॉट्स हिज बियरी बे? देह पंक्ति में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए सिमली, ऑप्शन बी मेटाफोर, ऑप्शन सी एलिट्रेशन, ऑप्शन डी ट्रांसफर्ड एपिथेट। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फ्रेज हिज ड्रोनिंग फाइट? दिए हुए फ्रेज में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए ओनोमेटोपोया, ऑप्शन बी एलिट्रेशन, ऑप्शन सी हाइपरबोले या ऑप्शन डी ट्रांसफर एपिथेट। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनोमेटोपोया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
Which figure of speech is used in the line "Let not ambition mock their youthful toil"? दो ही पंक्ति में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए हाइपरबोले, ऑप्शन बी सिमली, ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन या ऑप्शन डी मेटाफॉर। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैन ओनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट? विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन? दी हुई लाइनों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए सिमिली, ऑप्शन बी मेटाफोर, ऑप्शन सी एपोस्ट्रोफी, ऑप्शन डी पर्सोनिफिकेशन। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच एलिजाबेथन पोइट इज मेंशनड बाय ग्रे इन हिज एलिजी? विच एलिजाबेथन पोइट कौन सा एलिजाबेथन कवि इज मेंशनड मेंशन किया गया है बाय ग्रे ग्रे के द्वारा इन हिज एलिजी अपनी एलिजी में? ऑप्शन ए चाउसर, ऑप्शन बी मिल्टन, ऑप्शन सी शेक्सपियर या ऑप्शन डी पोप। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम ऑफ द ग्रीक गॉडेस ऑफ लर्निंग रेफर्ड इन इलेजी? नेम ऑफ द ग्रीक गॉडेस ऑफ लर्निंग रेफर्ड इन इलेजी। ऑप्शन ए डियाना, ऑप्शन बी एफ्रोडाइट, ऑप्शन सी म्यूज, ऑप्शन डी अथेना। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम ऑफ द नोबलिस्ट हु पिक्ड द लाइन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड एंड मेड इट द टाइटल ऑफ हिज नोबल? नेम ऑफ द नोबलिस्ट उस नोबलकार का नाम हु जिसने पिक्ड लिया है या उठाया है द लाइन पंक्तियों को फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड एंड मेड इट और इनको बनाया है द टाइटल ऑफ हिज नोबल और अपने नोबल का टाइटल बनाया है। ऑप्शन ए थॉमस हार्डी, ऑप्शन बी फील्डिंग, ऑप्शन सी ओरवेल, ऑप्शन डी डीएच लॉरेंस। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थॉमस हार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वर्ड इज यूज्ड फॉर द लाइंस सेड और रिटेन अबाउट ए डेड पर्सन? व्हाट वर्ड कौन सा शब्द या क्या कौन सा शब्द इज यूज्ड प्रयोग किया गया है फॉर द लाइंस पंक्तियों के लिए सेड और रिटेन कहा गया है और लिखा गया है अबाउट बारे में ए डेड पर्सन एक मृत व्यक्ति के? ऑप्शन ए एपिग्राम, ऑप्शन बी एपिसोड, ऑप्शन सी एपिटैफ या ऑप्शन डी एपिटोम। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एपिटैफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन ए यूथ टू फॉर्च्यून एंड मे फेम अननोन? दी हुई पंक्तियों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है?
ऑप्शन ए पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन बी अपोस्ट्रॉफी, ऑप्शन सी एलिट्रेशन या ऑप्शन डी मेटाफर। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री। हु इज द चीफ एक्सपोनेंट, हु माने कौन, इज है द चीफ एक्सपोनेंट, मुख्य प्रतिपादक ऑफ ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड स्कूल का पोएट्री। ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी पोप, ऑप्शन सी थॉमस ग्रे, ऑप्शन डी ड्राइडन। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थॉमस ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रे रोट हिज एलेजी टू ऑनर। ग्रे रोट, ग्रे ने लिखी थी हिज एलेजी, अपनी एलेजी टू ऑनर। टू ऑनर सम्मान में। ऑप्शन ए सिटी पीपल, ऑप्शन बी रीड फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट, ओल्ड पोएट्स, एम्बिशियस पीपल। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीड फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रे प्रेजेंट्स इन हिज इलेजी ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द सिटी पीपल एंड। ग्रे प्रेजेंट्स दर्शाता है इन हिज इलेजी अपनी कविता में कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मध्य में द सिटी पीपल एंड, द सिटी पीपल शहरी लोगों के और। ऑप्शन ए कंट्री पीपल, ऑप्शन बी रिच पीपल, ऑप्शन सी बैगर्स, ऑप्शन डी मिनिस्टर्स। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्री पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु रोट, किसने लिखा अबाउट ग्रे, ग्रे के बारे में। ही वाज द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ द ब्यूटीज ऑफ नेचर इन इंग्लैंड। हु रोट, किसने लिखा अबाउट ग्रे, ग्रे के बारे में। ही बाज, भय था, द फर्स्ट डिस्कवरर प्रथम खोजकर्ता, ऑफ द ब्यूटी सुंदरता का, ब्यूटीज ऑफ नेचर प्रकृति की सुंदरताओं का, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में। ऑप्शन ए जेम्स आई आयरे, ऑप्शन बी जेम्स मैकिंटोस, ऑप्शन सी जेम्स जॉनसन जॉन, ऑप्शन डी जेम्स जॉय जॉयस। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चलिए अभी हमने यूनिट फोर में थॉमस ग्रे को पढ़ा था। जो मैंने क्वेश्चन कराए ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करिए, पेपर यहीं से आना है, ठीक है। साथ ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।